कितने का ये? और अब टेंशन हो रही है इनर लाइन परमिट की। फाइनली हम पहुंच गए मैग्नेटिक हिल। शांति स्तूपा से लौटने के बाद थोड़ी देर रूम पे रुका था, अब हम निकल रहे हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन मैग्नेटिक हिल के लिए। मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा और हॉल ऑफ फेम वो उसी रूट पे थे जिस रूट से हम आए थे। बहुत ज़्यादा पास है, तो अगर आप लोग बाइक या कार से नहीं आते तो यहाँ फ्लाइट से भी आ सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जितनी भी रोड है बीआरओ के थ्रू ही बनी हुई है। व्यू अच्छा था तो हम लोग रुके हुए हैं। एक्चुअली क्या है, अभी एक शॉट ले रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ पर DSLR पकड़ूंगा और उधर से कैमरा ही आएंगे, एक सिनेमैटिक शॉट शूट करना है। और अब टेंशन हो रही है इनर लाइन परमिट की। अभी हवा एकदम रुकी हुई थी और फिर अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। यार फाइनली हम पहुँच गए मैग्नेटिक हिल। एक और प्लेस हमने कवर कर लिया है, ये भी आज हमारी डेस्टिनेशन में था। कल भी निकले थे लेकिन आज यहाँ आने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं यहाँ का ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप। एक चीज़ है कि अभी क्या थोड़ी थोड़ी बारिश गिरने लगी है, जिसकी वजह से सभी लोग फटाफट निकल रहे, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी शेल्टर नहीं है। हम लोग भी कुछ भी नहीं लेके आए थे, रीज़न भी आए, बहुत ज़्यादा सनलाइट तेज थी, हमें लगा ऐसे कंडीशन में तो बारिश हो नहीं सकती, लेकिन ये बारिश नहीं होगी क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और जब तेज़ हवा चलती है तो नॉर्मली जल्दी बारिश नहीं होती है। फिलहाल हमें अभी निकलना है क्योंकि हम बनवाने जा रहे हैं अपना एनवायरमेंटल परमिट, कर जाएंगे खारदुंगला के लिए। पॉइंट है चाय के लिए, हम वहां पर जा रहे हैं, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो अभी एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई, जो हम इनर लाइन परमिट के लिए जल्दी निकलने वाले थे वो हो गया कैंसिल। रीज़न बिहाइंड, हमारा इनर लाइन परमिट ऑनलाइन हमने अप्लाई कर दिया, इनर लाइन परमिट नहीं कह सकते उसको, इन्वायरमेंटल परमिट कह सकते हैं, वो हमने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट हो गई, ऑनलाइन ही सारा काम हो गया। यहाँ आने के बाद मन ही नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि ये प्लेस है ही ऐसा। जर्नी में मौसम के बारे में, नज़ारों के बारे में, पहाड़ों के बारे में तो मैंने बहुत बता दिया। एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको हर जगह पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। जैसा पहले के टाइम पे होता था, पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं होते थे, अब ऐसा नहीं, और सारे नए बने हुए अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो अब मे बी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, यहाँ पे पहले पार करेंगे, उसके बाद अंदर चलते हैं, माथा टेकते हैं, माथा टेकने के बाद फिर यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और जो जो हमारे हमसे पहले वहाँ से निकले हैं बाइकर, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो मैंने परमिशन ले ली कि ले जा सकते हैं या नहीं, उन्होंने कंफर्म कर दिया ले जा सकते हैं। फिलहाल आप लोग घर बैठे देखिए। गुरुद्वारे के बाहर, और गुरुद्वारा बनने की, पत्थर साहिब गुरुद्वारा क्यों कहते हैं उसकी डिटेल मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर नहीं आएंगे। आपको मैंने अंदर के व्यू सारे दिखा दिए इसीलिए अंदर जाके, लेकिन अब स्टोरी बता देता हूँ। तो स्टोरी यह है कि एक बार गुरु नानक देव जी सब जगह घूम के जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक राक्षस रहता था, और वो राक्षस यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको मार के खा जाता था या परेशान करता था। तो इसकी वजह से क्या है, लोग गुरु नानक देव जी से मदद लेने लगे, ये उनकी हेल्प करने लगे। जब राक्षस को ये बात पता चली तो उसने क्या किया, वहाँ ऊपर से ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना,
यहाँ पे ये देखिए फ्लैग लगा है, मे भी कैमरे से उतना नहीं दिख रहा होगा। उसने ऊपर से एक पत्थर फेंका जो कि आपको वीडियो में दिखा होगा, वो पत्थर यहाँ आया और गुरु नानक देव जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, अपनी भक्ति में थे, तो उनकी बॉडी से लग के वो पत्थर मोम का हो गया, उनकी बॉडी का शेप ले लिया उसने। उसे लगा कि गुरु नानक देव जी नहीं रहे, लेकिन बाद में उसे पता चला कि गुरु नानक देव जी हैं। तो उसने क्या किया, उसी पत्थर में दोबारा लात मारी तो उसका पैर उसमें फंस गया। फिर जब वो बहुत परेशान हो गया, फिर वो आया गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी, गुरु नानक देव जी ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद से ही यहाँ जो उनके भक्त थे और जो गांव के लोग थे, उन सब ने यहाँ पर उनकी पूजा करने लगे। वहाँ पर वो पत्थर रखा है, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये थी गुरुद्वारे की पूरी डिटेल जो मैंने आपको बता दी। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए ये स्टोरी थी। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं कभी भी, यही नहीं पूरे लेह लद्दाख रीजन में, एक बार जरूर एक्सप्लोर करिए, बहुत अच्छी जगह है। चले हाँ चले, बहुत ठंड। कैब भाई यहाँ दूसरी बार आ रहे थे इसलिए वो अंदर नहीं गए, पहली बार आए थे तब अंदर गए थे। अंदर गया था, अंदर हो के आया हूँ मैं, आप अंदर थे, मैं यहीं होके आ गया, चाय और बिस्कुट बिस्कुट ले गया, फ्री वाला काम कर दिया है। हम लोग आ गए थे हॉल ऑफ फेम, लेकिन अभी हॉल ऑफ फेम है बंद और थोड़ी देर बाद एक घंटे के बाद यहाँ पे लेज़र शो चालू होगा, उसकी टिकट है 200 रुपीज़। और अभी मेन एंट्री बंद कर दी, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसी चीज़ के लिए कि लेज़र शो जब चालू होगा तब वो लोग देखेंगे। सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तब देखेंगे इसको। अभी हम लोग आ गए लेह मार्केट, और लेह मार्केट में यहाँ पर लोकल कोई प्रोग्राम चल रहा है। लोकल म्यूजिक आपने सुना होगा। अभी ये है पूरा लेह मार्केट आगे तक है। अभी हम दो तीन चीज़ें ढूंढ रहे हैं, एक है खाना खाएंगे टाइम से जो कि कल नहीं हो पाया था, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, दूसरा एक वो मुझे फ्लैग लेना है, तीसरा अगर राइडिंग ग्लव्स मिल गए तो ले लूँगा। अभी मैं आया हूँ शॉप के अंदर, एक बार फ्लैग देखना है बाइक के लिए। तो भैया दिखा दो एक बार, ओपन कर सकते हैं क्या इसको, कौन सा वाला है ये वाला क्या? ओके, कितने का ये? ये 20 का, 30 का, लद्दाख का मटेरियल। ओके, तिब्बत से जो रिफ्यूजी आए हुए हैं वो यहाँ पे मटेरियल बेचते, तो आपको अगर कभी इधर आना होता है तो इस तरह की चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाने के लिए दो तीन जगह पता किया तो किसी ने सजेस्ट किया नेहा स्नैक्स, यहाँ पे चलते हैं एक बार देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। डोर तो बहुत अच्छा है। हम लोग डाइनिंग के लिए गए थे बट क्या है कि डाइनिंग फुल है, तो उसने बोला आपको पैक करके ले जाना पड़ेगा, हमने ऑर्डर कर दिया है, बोला 15 से 20 मिनट में आपका पार्सल रेडी हो जाएगा। सो 15 से 20 मिनट हम और एक बार एक्सप्लोर करेंगे मार्केट, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। ये डालो ना लद्दाख का, ये ट्रेडिशनल मिर्ची में डाले, डालो। ये है क्या, इसको बोलते क्या है? ऑर्गेनिक है, मिर्ची है। अच्छा,